कि दोस्तों ये है नगीना, नगीना किशान, तुलाराम, इंडिया नहीं वर्ल्ड फेमस ही हैं। टाइम हो गया है 5:35, आधा सफ़र हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से केदारनाथ 7 और यहाँ से गौरीकुंड 8। क्या बताऊँ, फुल टायर्ड। चलो पार जल्दी से। कितना तेज फ्लो है इसका, और ये जिस पुल में हम खड़े हैं पूरा झूला है, ये इधर उधर झूलता रहता है। तो फाइनली आ गया गौरीकुंड, और जाते वक्त हमने सफ़र तय करा था 11 घंटे में, और आते वक्त लगे हमें पूरे 6 घंटे। बहुत थक गए बहुत ज़्यादा, अब तो सिर्फ बेड चाहिए और नींद। मॉर्निंग गाइस, तो सुबह के बज गए हैं 8:30, और रात का जो सफ़र था वो बहुत ही थकावट भरा रहा, और हमने वो वापसी की जर्नी जो है तकरीबन 6 घंटे में पूरी करी। को 3 बजे चले केदारनाथ धाम से, और वापस गौरीकुंड जहाँ पे हमारा स्टे था वहाँ पहुँचे हम रात को 9 बजे, और उसके बाद बहुत थक गए थे। खाना खाने की भी हिम्मत नहीं थी, फटाफट बैग छोड़े अपने लॉजिस में, फटाफट खाना खाने आए और सो गए तुरंत। तो जो है हम गौरीकुंड से नाश्ता पानी करके जीप चलती हैं उसमें बैठ के वापस आए हम अपने पार्किंग लॉट में जहाँ हमारी बाइक खड़ी है, एंड वापस अब करेंगे अपनी बाइक में लोडिंग और चलेंगे ऋषिकेश की तरफ। एंड अब जो वापसी का रास्ता रहेगा वो रहेगा हमारा ऋषिकेश से, क्योंकि जहाँ जिस रास्ते हम आए थे वो तो बहुत ही बुरा रास्ता था, बहुत ही ख़राब था। अब जाएंगे ऋषिकेश से, और ऋषिकेश से भी वापस उदयपुर। दोस्तों अब जो है कल जब हमने संडे को वापसी करी है, तो वापसी के टाइम में पता चला कि अब जो है भीड़ जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और वापसी टाइम हमने एंट्री ऑफिस में पता करा तो टोटल जो एवरेज 2-3 हज़ार लोग आ रहे थे, और अब जो है सीधे वो 7-8 हज़ार बढ़ चुकी है। तो इस चलते हैं सीधे ऋषिकेश की तरफ, एंड बाकी की जर्नी ऋषिकेश आते हुए कवर करते हैं। वैसे सबसे बढ़िया जिसको फैमिली ट्रिप एंजॉय करनी हो, जिसको अपना फ्रेंड्स के साथ टूर एंजॉय करना हो, क्योंकि अगर आप पूरी ट्रैकिंग करके जाते हैं तो थकावट भरा होता है। अगर आपको अच्छा प्रॉपर एंजॉय करना है पूरा ट्रिप, तो आप सोनप्रयाग तक पहुँचिए या पार्किंग में बाइक खड़ी करिए, अपनी कार खड़ी करिए, और हेलीकॉप्टर जो है यहीं से चलते हैं। हेलीकॉप्टर हेलीपैड जो यहीं पे, अपनी टिकट बुक कराइए, ऑनलाइन बुक कराइए, 4700 की बुक हो जाएगी। सीधे जाइए केदारनाथ धाम, आपको पूरे डोर स्टेप पर उतारेगा, उससे पूरा आपके 2 दिन बच जाएंगे और आप फुल एकदम अच्छे से इन्जॉय कर पाएंगे पूरा ट्रिप। क्योंकि रेनबो इफेक्ट वाला वाटरफॉल है ये, देखिए पूरा के पूरा, ये देखिए ये रेनबो बना हुआ है। यही मौसम साफ हमें कल मिलता तो कितना मजा आता। ये मौसम साफ होने की वजह से ये वापसी का नजारा है जो हमें कल देखने को नहीं मिला था। हम केदारनाथ से आ गए हैं गुप्तकाशी, और गुप्तकाशी से अब हम जा रहे हैं ऋषिकेश, और अब ऋषिकेश से ये आते ही आपको जो है ये चौड़ी चौड़ी सड़कें मिल जाएंगी जहाँ आप अच्छे से लीन कर सकते हैं और थोड़ी सी स्पीड भी बढ़ जाएगी, क्योंकि चार धाम जो प्रोजेक्ट है उसका हिस्सा है। तो यहाँ पे ये पूरा हाईवे मिलेगा आपको चौड़ा, जिसमें आप स्पीड क्रूजिंग कर सकते हैं आराम से। तो गाइस हम आ चुके हैं देवप्रयाग शहर में, जो कि फेमस है 2 नदियों के संगम से। एक है नदी अलकनंदा, एक है भागीरथी, जो मिलके गंगा बनती है, देख सकते हैं आप वो ब्राउन कलर की और ये ग्रीन कलर की, एंड यही नदी हमें ऋषिकेश में मिलेगी। तो दोस्तों अब हम आ चुके हैं शिवपुरी,
ऋषिकेश के पास जहाँ पे राफ्टिंग शुरू होती है। और श्रीनगर से शिवपुरी हम बहुत जल्दी पहुँच गए क्योंकि बीच में एक हमें KTM वाला मिल गया था जिसने हमें बहुत हेल्प करी यहाँ तक जल्दी पहुँचाने में। वो रेस लगाने लग गया था अपनों से। यह है शिवपुरी, ये गंगा नदी, यहाँ से राफ्टिंग शुरू होती है। पूरे रास्ते जो है बहुत गर्मी मिली है, बहुत ज़्यादा गर्मी। और अब गंगा को देख के मन तो कर रहा सीधे जाके डुबकी लगा लें, इतनी डुबकी तो लगा नहीं सकते, एटलीस्ट मुँह तो धो ही लें। अब एक लास्ट बार पेट्रोल की टैंक फुल होगी। हेलो गाइस, तो फाइनली हमारा जो ऋषिकेश तक का सफ़र है वो हुआ कंप्लीट। तो सुबह 9:30 हम सोनप्रयाग से चले थे और ऋषिकेश पहुँचे हम लगभग 4:00। तो तकरीबन 6.5 घंटे का सफ़र ये रहा। अब बाकी का जो हाफ जर्नी है ऋषिकेश से रुद्रपुर वो हम तय करेंगे, देखेंगे कितनी देर में। बीच में नगीना आएगा, वहाँ से कुछ स्पेशल चीज़ है वो कवर करेंगे। एंड अब आकर रुके हम डोमिनोज में, जैसे कि आप देख रहे होंगे बहुत भूख लगी थी सुबह 8:00 के बाद से, हमने कुछ नहीं खाया हुआ था। और क्योंकि है ये प्योर वेजिटेरियन, ऋषिकेश के आसपास का कुछ एरिया जो है टोटली वेज कर दिया है, तो इसलिए हम यहाँ रुके हैं और यहाँ पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे एंड आगे की जो जर्नी है वो हम कंटिन्यू करेंगे एंड मिलते हैं थोड़ी देर तक। वेलकम बैक गाइस, तो शाम के हो गए हैं 6:30 दोस्तों। यह है नगीना किशान तुलाराम, आप लोगों में से ज़्यादातर लोग तो जानते ही होंगे तुलाराम के गुलाब जामुन। तो हम इसकी बात कर रहे थे कि ऋषिकेश के बाद हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा नगीना में, तो गुलाब जामुन खाएंगे, कुछ पैक कराएंगे। बहुत ही स्पेशल, बहुत ही टेस्टी गुलाब जामुन होते हैं यहाँ के, जो कि आप कह सकते हैं कि इंडिया नहीं वर्ल्ड फेमस ही हैं। हम वो पैक भी कराएंगे अपने घर वालों के लिए, स्पेशली उनकी डिमांड आई है कि अगर भैया उसके गुलाब जामुन लिए बिना घर मत आना। चलो कोई बात नहीं, हम भी खा ही लेंगे इसी वक्त। तो गाइस ये आ गए गुलाब जामुन, वर्ल्ड फेमस यहाँ के तुलाराम के, देख सकते हैं आप। रास्ते की बात करें तो रुद्रप्रयाग से ऋषिकेश बहुत बढ़िया, एकदम मतलब नेक्स्ट लेवल हाईवेज हैं। मतलब पहाड़ों में ऐसे हाईवेज एक्सपेक्टेड नहीं है। और ऋषिकेश टू हरिद्वार में एकदम मक्खन मलाई, मज़ा आ गया। और बीच में हमें 4-5 किलोमीटर जो यूपी में नजीबाबाद के पास थोड़ा हाईवे बहुत ही ख़राब मिला, तो उसने थोड़ा थका दिया हमें। और अब जो है यहाँ पे नेशनल हाईवे जो है वो ठीक ठीक है, इतना बढ़िया तो नहीं लेकिन ठीक ठीक है। और अब नगीना के बाद हम सीधे चलेंगे अपने घर की तरफ, नेक्स्ट स्टॉप होगा हमारा, लास्ट स्टॉप जो होगा हमारे घर की तरफ। हाय गाइस, तो हमारी जर्नी हुई फाइनली ख़त्म। तो टोटल 4 दिन लगे हमें इस जर्नी में। फ्राइडे को हमने सुबह 10:00 शुरुआत करी थी अपनी इस जर्नी की, एंड अब जो है फ्राइडे, सैटरडे, संडे, मंडे रात को लगभग 9:15 पे हम घर आ चुके थे। हालत बहुत बुरी थी, आंखों से भी आपको दिख रहा होगा कि थकावट बहुत ज़्यादा। लेकिन जैसे ही हम जर्नी फिनिश करके रात को पहुँचे, फटाफट आके हमने अपने बैग वगैरह सब फेंके, अनड्रेस हुए, नहाए धोए और सीधे सो गए। मैं आपसे मिल रहा हूँ नेक्स्ट मॉर्निंग अपने घर पर ही, कंप्लीट वर्कआउट के बाद या इंटेंस वर्कआउट के बाद। जब भी बॉडी को रिलैक्स मिलता है तो वो बहुत ज़्यादा पेन करती है, ठीक वैसे ही हमारे साथ हुआ। बहुत ही इंटेंस कार्डियो था वो, तो कंटिन्यूसली 12 घंटे चलना, फिर अगले दिन दर्शन करना, फिर चलना, फिर वापस आना, तो बहुत ही इंटेंस वर्कआउट कार्डियो बोल सकते हैं उसे। और उसके बाद फिर जर्नी करना वापसी की, फिर अच्छे से रेस्ट के बाद। बॉडी पेन तो नहीं है लेकिन अब लेग्स जो हैं, काफ जो हैं वो एकदम अकड़ से गए हैं, तो चल नहीं रहे, वो चलने में दिक्कत भी हो रही है। वो चल रहे हैं तो लोग भी पूछ रहे हैं यार कैसे चल रहा है, कैसे चल रहा है, तो बताते हैं उन्हें कि भाई ट्रैवल करके आए हैं, यात्रा करके आए हैं, तो थोड़ी बहुत पेन है, बॉडी पेन है। फ़िलहाल बात करते हैं जर्नी की, तो जर्नी हमारी बहुत बढ़िया रही और थकावट भी बहुत हुई एंड कुछ एक्सपीरियंस भी मिले। एक्सपीरियंसेस मैंने आपसे शेयर करे हैं कि कहाँ कहाँ से हमने ट्रिप शुरू करी, क्या क्या हमारे साथ हुआ, क्या क्या चाहिए। और वापसी की ट्रिप हमारी खैर बहुत शॉर्ट थी, वापसी में हमें ज़्यादा टाइम नहीं लगा। हम सुबह जो है 9:00 चले और रात को 9:00 हम आ गए।
तो टोटल 12 घंटे की हमारी रिटर्न जर्नी थी, जो कि हम सोनप्रयाग से रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग से श्रीनगर, श्रीनगर से ऋषिकेश एंड ऋषिकेश टू हरिद्वार, हरिद्वार से नगीना एंड नगीना से हमें जो है बिल्कुल बढ़िया सा हाईवे मिल गया, और जो कि 2 घंटे की जर्नी हमने सिर्फ 1.25 घंटे में कंप्लीट कर ली। वो तो हाईवे बहुत ही बढ़िया था। हमने रात को वैसे 10 बजे पहुँचना था लेकिन हम पहुँचे 9 बजे। और ऋषिकेश टू हरिद्वार भी बहुत ही बढ़िया हो गया, जो जहाँ इतना जाम लगता था, घंटों लगते थे, वहाँ सिर्फ 15 से 20 मिनट में पूरा डिस्टेंस कवर कर लिया। और से जब हम नजीबाबाद की तरह यूपी की तरफ बढ़े तो वहाँ पे कुछ दिक्कतें हुई, वहाँ बहुत ही ख़राब रोड थी, बहुत ही ज़्यादा ख़राब रोड थी, तो 2-2, 3-3 फुट के गड्ढे थे, वहाँ में थोड़ी दिक्कत हुई। लेकिन हम जैसे ही नगीना पहुँचे, अपना रिफ्रेशमेंट लिया और नगीना से बात, तुरंत हमने हाईवे पकड़ा, वहाँ पे टोल रोड स्टार्ट हुई थी पूरी कम्प्लीटली। वो सीमेंटेड ऑल वेदर रोड है और 130 किलोमीटर का डिस्टेंस है, वो जो हमने सिर्फ 1.25 घंटे में पूरा कर लिया। इस दौरान बाइक की हालत भी बहुत बुरी हो गई है, मतलब इतनी बुरी कंडीशन देख के तो बाइक को अजीब सा लगता है। ये देखिए इसकी क्या कंडीशन हुई है, बाइक की कंडीशन टूर के बाद। ये सीट देखिए, आगे से देखिए, इतनी बाइक गंदी कभी भी नहीं हुई। पूरी हेडलाइट पे जो है इंसेक्ट्स दिख रहे हैं मरे हुए हर तरफ। वेल, कोई बात नहीं, इसे दोबारा से अच्छे से पॉलिश करवाएंगे कम्प्लीटली। वैसे पॉलिश नहीं, मैं तो सोच रहा हूँ इसे खुद ही जो है सेरेमिक कोट करें, कोट की वीडियो ज़रूर बनाएंगे। तो अब दोस्तों, तो एंड होता है हमारा केदारनाथ टूर व्लॉग, और इसी तरह हमारे साथ बने रहिएगा, हमें सब्सक्राइब करते रहिएगा। अगर कंटेंट और वीडियो अच्छी लगी हो तो उसे लाइक ज़रूर करिएगा, बहुत मोटिवेशन मिलेगी ताकि हम अगले टूर के लिए पहले से और ज़्यादा अच्छे से तैयारी कर सकें और आपके लिए एक नया एक्सपीरियंस और एक नई जर्नी शेयर कर सकें। इससे पहले जो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं वो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो अच्छे लगने पर लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट ज़रूर करिएगा। थैंक फॉर वॉचिंग।